दोस्तों, डंकी और सलार क्लैश पर करण जौहर का चौंकाने वाला रिएक्शन सामने आया है। डंकी की टक्कर प्रभास की सलार से होने पर बवाल मचा हुआ है। इसी दौरान करण जौहर इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि इस बार बॉलीवुड से बचना सलार के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा बॉलीवुड अब बदल चुका है। गदर दो जवान पठान से बॉलीवुड ने इस साल इतिहास लिखा है, तो हम उनको ऐसे नहीं जाने देंगे। वही दोस्तों, शाहरुख ने भी ये अनाउंसमेंट कर दी है कि डंकी की डेट किसी भी हालत में चेंज नहीं करेंगे। हिंदी में सलार के आगे बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है, क्योंकि इस बार सामने बॉलीवुड के किंग खान हैं। वही शाहरुख खान के लिए साल 2023 काफी अच्छा रहा, ऐसा इसलिए क्योंकि जनवरी में रिलीज हुई उनकी फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइड सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वही मूवी ने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया। इसके बाद दोस्तों 7 सितंबर को एटली की फिल्म जवान रिलीज हुई, इसको लेकर भी फैंस में गजब का उत्साह देखा गया। थिएटर्स में कई दिनों तक सारे शोज हाउसफुल रहे। मूवी ने भारत में अब तक 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अब किंग खान अपनी अगली फिल्म डंकी को रिलीज करने के लिए तैयार हैं, जो राजकुमार हिरानी के साथ उनकी पहली फिल्म होगी। यह फिल्म दिसंबर में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। डंकी इसको जियो स्टूडियोज, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और राजकुमार हिरानी फिल्म्स का समर्थन प्राप्त है। मूवी में शाहरुख खान और तापसी पन्नू के अलावा बोमन ईरानी भी होंगे। वही वायारेफ भी डंकी भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, दुबई, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस जैसे देशों में बड़े पैमाने पर रिलीज कर रहे हैं। वही दोस्तों, सलार के इस क्लैश दूसरी सबसे बड़ी ताकत है, वो KGF 2 के रोकी का 15 मिनट का कैमियो है। इसीलिए उनको डंकी से टक्कर लेने का कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े स्केल पैमाने की फिल्म है और इस क्लैश से पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज हिल जाएगी। दोस्तों, शाहरुख खान की जवान और पठान जब रिलीज हुई थी तभी इतना बड़ा रिकॉर्ड बना गई है कि किसी से टूटना मुश्किल है। वही डंकी और सलार की ये लड़ाई फैंस वार में बदल चुकी है, इसलिए ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि डंकी और सलार किसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी आप लोग कॉमेंट में हमें बताएं कि डंकी या सलार कौन सी फिल्म आगे जाएगी।